हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम इकोनॉमिक जोलॉजी से रिलेटेड न्यू जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पी कल्चर और कॉमनली नॉन एज़ कार्प कल्चर दैट इज़ द कल्चर ऑफ़ फिशेज फॉर बेसिकली कमर्शियल पर्पज़ सो इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी मेजर इस्पीसीज हैं जिन्हें की कल्चर किया जाता है फॉर द पीसी कल्चर प्रोसेस देन कल्चरिंग मैथड्स कौन से टाइप्स हैं कार्प कल्चर के मार्केटिंग इनकी कैसे होती है एंड एट लास्ट द कंक्लूजन सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो फाइव और टेन मार्क्स में पूछा जाता है सो so अकॉर्डिंगली जो है बेस्ट फॉर्मेट में हम इसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन हम इसका देखेंगे देन द ऑब्जेक्टिव एंड द ओवरऑल जो है बेसिक टाइम जो है इसकी वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है कार्प कल्चर का या फिशरी कल्चर का कि क्या ऑब्जेक्टिव है तो मेन यही है किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है कि भाई हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं और फिशेस की जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्टिविटी इल है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रोसेस देन हाईली न्यूट्रेटिव फ़िश फ्लैश जो है वो ऑब्टेन हो सके देन टू इंक्रीज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ फ़िश बाय प्रोडक्ट जो फ़िश का जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसका अच्छे से जो है वो यूटिलाइजेशन हो सके ठीक है जैसे कि फिश ऑयल है फ़िश स्किन है स्केल है एक्सेट्रा नेक्स्ट अब बात आती है द मेजर स्पीसीज दैट आर कल्चर्ड कौन सी स्पीसीज़ हैं जो कि फ़िश कल्चर के लिए कल्चर की जाती हैं जिनमें सबसे पहली बात आती है एक्जोटि एक्जोटिक स्पीसीज़ की अब उनमें भी अगर हम बात करें एग्जांपल्स की जैसे कि एक है मिरर कार्प साइंटिफिक नेम है कुप्रीनास कार्पिस तो ये टेम्परेट एशियन चाइना रीजन जो है वहाँ की नेटिव है तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना है मेन जो है जुलोजी के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का बेस्ट सजेशन जो है वो यही रहता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करिए बैटर अच्छे से अंडरलाइन करिए ऑल्सो अगर आपके पास टाइम कम है थ्योरी uh, लिखने के लिए सो यू हैव टू ड्रॉ मोर एंड मोर डायग्राम्स एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट इजीली एंड यू विल फेच गुड मार्क्स आल्सो सो सेकेंड थिंग इज़ द यूरोपियन कार्ड तो यूरोपियन नेम से ही पता चल रहा है यूरोप की नेटिव है और कॉकसिस और सेंट्रल एशियन जो रीजन है वहाँ पर भी ये मिलती है फ़र्स्ट टाइम इसको 1874 में उटी लेक जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था देन थर्ड विल बी द क्रूशियन कार्प क्रूशियन कार्प जो है अब जैसे कि नाम है मीडियम साइज मेंबर है कॉमन कार फैमिली की जो फैमिली है उससे ये बिलोंग करती है देन द एग्जॉटिक स्पीसीज ट्राउट्स और सोलम्स आर द ओनली गैंग फिशेज जो कि इंट्रोड्यूस की, की गई हैं इंडिया के अंदर तो ये हो गया सालमन का डाइग्राम अब बात आती है कार्व कल्चर की या कार्व कल्चर के डेफिनेशन की द फर्स्ट स्टेप इन कार्व कल्चर इज ब्रीडिंग द फिशेज फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स विच इज कैरिड आउट इन स्पेशल फोन सो मेन प्रोसेस क्या है कि पहले ब्रीडिंग करवानी होती है जैसे कि क्या हो एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो और ये जो प्रोसेस है वो एक स्पेशल पॉन्ड के अंदर जो है वो की जाती है ओके okay, दो टाइप्स की ब्रीडिंग है एक होती है नेचुरल ब्रीडिंग सेकंड वन जो है इंड्यूसड ब्रीडिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तो नेचुरल ब्रीडिंग यूजुअली टेक्स लार्ज रिजर्वोयर जो होते हैं उनके अंदर होती है ठीक है तीन टाइप के रिजर्वोयर्स यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं पहला है वेट बंद दैट इज़ इन दिस बंद और रिजर्वोयर वाटर इज़ प्रजेंट थ्रू आउट द एयर वाटर पूरे साल हमें रहता है ठीक है देन द ड्राई बंड अब नाम से पता है प्योरली सीजनल है दैट इज मॉनसून सीजन के टाइम पे ही ये भरे हुए रहेंगे एल्स ये ड्राई रहेंगे एंड द मॉडर्न बंद दैट इज लोकली दे आर नोन एज द पक्का बंद मॉडर्न नाम से पता चल रहा है ओके दे आर सीमेंटेड ऑन द साइड वॉल एंड द फ्लोर इनकी सीमेंटेड रहती है ओके okay, जैसे कि डायग्राम से भी पता चल रहा है नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कल्टिवेबल कार्प कौन कौन सी कार्प है जो कल्टिवेबल है ठीक है जैसे कि इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं या नेटिव वेराइटीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की ही होती है वहीं पे मिलती हैं ओके जैसे कि रोहू है कैटला है मृगल है ओके, ओके लेबियो कैल्बासू है तो ये सारे मेजर कार्प्स हैं ओके जैसे कि रोहू है तो नाइन्टी सेंटीमीटर है कोलम फीडर ये होती है डाइग्राम्स में जैसे कैटला कैटला है सो अगेन वन एटी सेंटीमीटर है ओके फास्ट ग्रोइंग नेचर इसका देखने को मिलता है तो आपको बेसिकली क्या करना है एग्जाम में अगर टाइम कम है ना और आपको थ्योरी अगर लिखने में थोड़ा आ, दिक्कत आती है तो आप बेसिकली यही कर सकते हैं सिंपली ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट पॉइंटर्स बिलो द डायग्राम देन द एग्जॉटिक स्पीसीज में आपका आता है एक मिरर कार्प है ये भी कल्चरेबल स्पीसीज़ में आती हैं देन अब नेचुरल ब्रीडिंग की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तभी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है वो उसकी रिसर्च की गई होगी नॉर्मल से बात है तो कौन सी है जैसे कि एग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज आर ऑप्टेंड आउट ऑफ विच सम मे गिव राइज टू प्रेटरी फिशेज विच वुड लोअर द फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है एक नेचुरल पौंड है जिसमें वेरियस टाइप की फिशज़ रहती है हमें नहीं पता कौन सी जो है वो जो है कल्चरेबल फिश है और कौन सी नॉन कल्चरेबल है तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो है प्रेडेटरी फिशज़ जो हैं जो कि फ़ीड करती हैं दूसरी फिशज़ जो कल्चरेबल फिशेज़ हैं उनके एग्स जो है वो भी निकाल लिए जाते हैं एंड लेटर ऑन वो जो फिश जो है उनके लिए डेंजर वो हो, हो जाती है देन द इंड्यूसड ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग दो टाइप्स की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है वो देखने को मिलती है फर्स्ट इज़ द ड्राई मेथड ड्राई मेथड में क्या होता है एग्स और स्पम्स जो है उन्हें मिक्स किया जाता है विदाउट वाटर और उन्हें थर्टी मिनट तक रखा जाता है ड्राई कंडीशंस में देन उनमें वाटर जो है वो एड किया जाता है और सेकेंड मैथड जो आता है वो आता है वेट मैथड दैट इज़ एग्स जो है उन्हें कैप्ट uh, किया जाता है इन लेस क्वान्टिटी ऑफ वाटर टू विच फिर उनमें क्या है स्पम को ऐड किया जाता है बेसिकली ये जो मेथड है वो स्टिकी एग्स के लिए जो है वो यूज़ uh, में लिया जाता है देन ईजीली ब्रीडिंग पौंड फिशेज सो इजिल ब्रीडिंग पौंड फिशेज के केस में क्या होता है इंड्यूसमेंट इज गिवन टू फिशेज इन द पौंड इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलेंट्स, केमिकल्स का यूज़ करके या अदर कोई स्टिमुलेंट का यूज़ करके उनको इंड्यूस करवाया जाता है जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वाटर बाय द फ्रेश रेन वाटर फ्रेश रेन वाटर तो उन्हें जो है एक अलग स्टिमुलेशन जो है वो मिल जाता है कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि रेन वाटर के अंदर ही रेनी सीजन के टाइम पे ही जो है वो स्टिमुलेट होती है इंड्यूस होती है एग्स की लेइंग उनकी होती है तो ये प्रोसेस की जा सकती है और कार्डबोर्ड्स आर प्रोवाइडेड ऑन विच काप्स जनरली प्रीफर टू ले एग्ज और उनको एक स्टप स्टेटम एक स्ट्रेटा प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो उन्हीं पर एग्स जो है वो अपने ले डाउन कर पाए डैन चेंजिंग द लाइट इंटेंसिटी एंड द टेम्परेचर तो ये सारे क्या है ये सारे इंड्यूस्ड फिनोमिना है इंड्यूसड स्टिमुलेंट्स हैं जो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं इन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मेथड अब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन डिफिकल्ट स्पॉनिंग फिश अब इस आ, ये क्या है बेसिकली इन्वॉल्व स्पॉनिंग स्टिमोलेटेड इफ़ मॉनसून कम देन आर्टिफिशियल वाटर करंट्स कैन भी इंट्रोड्यूस तो बेसिकली ये कंडीशन है जो प्रोवाइड की जाती है टेम्परेचर को हम रेगुलेट कर सकते हैं फ्रॉम थर्टी टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस दैन क्लाउडी स्काई जो है वो तो ये सारे वो है थोड़े से रीजनस हैं जो कि फ़िश की स्पॉनिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट विल भी टेकन केयर ऑफ़ अब बात यह एक और टॉपिक आता है डेट इज़ इंड्यूसड ब्रिडिंग बाई दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंटली बस बेसिक जो है वो इसका एक आइडिया हो वो भी चलेगा अब है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग कि मेन ऑब्जेक्टिव इंड्यूस ब्रीडिंग का क्या होता है तो ऑप्टेनिंग द सुपर क्वालिटी जो है फिशेस की वो हो पाए देन फिश प्रोडक्शन भी हो फिश कल्चर जो है वो इंक्रीज़ हो थ्रू आउट द ईयर दैन द मैथड्स ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग इंड्यूस ब्रीडिंग के कौन कौन से मैथड्स हैं सो दिस इज द होल प्रोसीजर कि कैसे किया जाए सबसे पहले क्या करते हैं कलेक्शन ऑफ पिट्री एक्सट्रैक्ट्स दैट इज़ पोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम डिफरेंट फेसेस से वो कलेक्ट किया जाता है देन एक्सट्रैक्ट जो है उन्हें कंप्लीटली डिहाइड्रेट किया जाता है दैट इज़ रिमूविंग ऑफ वाटर दैन द स्टोर इन एबसल्यूट एल्कोहल एट आइस कोल्ड टेम्परेचर थर्टी सिक्स आवर्स तक जो है उसे उसमें स्टोर किया जाता है देन ग्राइंडिंग द एक्सट्रैक्ट अलोंग विद डिस्टिल्ड वाटर और द फिश जो है उसके साथ में देन इंजेक्टेड इंटू फिश इंट्रा मस्कुलरी और इंट्रापेटोनियली फिश में फिर वो इंजेक्ट करवाया जाता है इंजेक्टेड फिश आर कैप्टन टू ब्रीडिंग हैपा फिर उन्हें ब्रीडिंग जो चैम्बर्स होते हैं उनमें उन फिशज़ को रखा जाता है तो ये डाइग्राम है दैट इज़ द हाइफोफाइज विद पेटोटरी एक्सट्रैक्ट उनको जो है वो इंड्यूस करवाया गया अब डोजेज़ होती हैं कुछ जैसे कि फ़र्स्ट डोज जो है आपको टू टू तो थ्री एम जी ग्राम पर किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है इन फीमेल आफ्टर फाइव टू तो तो, टू सिक्स आवर सेकेंड डोज जो है वो फाइव टू तो एट एम जी पर के जी बॉडी वेट होता है मेन ओनली वन डोज गिवन वेन सेकेंड डोज इज़ गिवन टू फीमेल ठीक है तो डोज इज़ टू टू थ्री एम जी पर के जी बॉडी वेट तो ये कंडीशन है कुछ कंडीशन की हाइपोफाइसेशन इंड्यूजमेंट जो ये है तो ये किसको दिया जाना चाहिए फिशिज टू बी इंजेक्टेड शुड बी वेल फेड विद ऑयल केक उनकी फीडिंग ऑयल केक से होनी चाहिए एंड राइस ब्रैन फॉर टू टू थ्री मंथ्स प्रायर टू ट्रीटमेंट देन वाटर करंट है क्लाउडी सीजन है टेम्परेचर होना चाहिए बिटवीन ट्वेंटी फोर टू थर्टी थ्रू डिग्री सेल्सियस ये सारी चीज़ें जो है वो कंडीशन जो है वो मैंटेन करके रखनी ज़रूरी हो जाती है दैन फिश रिस्पॉन्डिंग वेल दैट इज़ क्या है कौन कौन सी ऐसी फिशेज़ हैं जो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि कार्प कल्चर है और ओवरऑल वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें जो अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाती हैं दैट इज़ इंडियन कैट फिश कलेरियस है काप जैसे कि लेबियो रोईता है रोहू है केटला केटला है मृगला है रेबा है देन कुछ ऐसे सिंथेटिक हारमोन्स हैं जो कि इंड्यूस करवाए जाते हैं फिशेज़ के अंदर जिनमें आते हैं एक आते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ कैटेगरी दैट इज डी ऑक्सी कोटिकोस्टेरस जिनमें आपके आते हैं ह्यूमन कॉरियनिक गोनेडोट्रोफिन एंड कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इसमें आते हैं एंड द सेकेंड इज द सिनेफोरिन दैट इज क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन एंड क्लास ममेलियन पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट्स और क्लास फिश पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट्स ये सारे जो है हॉर्मोन्स जो है उनका यूज़ किया जाता है सेकेंड बात आती है आपकी सेकेंड कल्चरिंग की नाउ अब क्या हुआ फर्स्ट कल्चरिंग हमने कर ली ये सब यह जो है अब आती है नाउ फर्टिलाइज्ड एग्स जो है उन्हें हैचिंग पिट्स में रखा जाता है जिन्हें कि हैचरीज़ कहा जाता है हैचरीज़ की अगर हम डिटेल में अब बात करें हैचिंग हैपा हैचिंग हैपा क्या होता है एग्ज जो है उसमें हैच हो जाते हैं विद इन टेन टू फिफ्टीन आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग्स को जो है वो एरेट किया जाता है फ्लोइंग वाटर इन ए रिवर में देन हैचलिंग्स जो हैं हैचलिंग्स जो हैं जो कि एग्स से आपके निकले हैं उन्हें जो है थर्टी सिक्स से ले कर एट आवर्स तक जो है वो रखा जाता है आफ्टर हैचिंग इन टू हापा बिफोर बिंग ट्रांसफर टू नर्सरी उनको नर्सरी से ट्रांसफ़र करने से पहले इसमें हैचिंग हापा में जो है वो रखा जाता है ठीक है सो दिस इज़ द डाइग्राम हैचिंग हापा का ये आउटर हापा है हेचरी ओके कोर्स क्लॉथ का बना हुआ होता है देन जो है आपका इनर हप्पा होता है मॉस्किटो नेट क्लोथ का बना हुआ होता है जैसे कि डायग्राम में भी आप डिफ्रेंशिएशन देख पा रहे हो और इसको जो है बेम्बू स्टिक से जो है वो बांध के रखा जाता है और इनकी एक पर्टिकुलर जो है वो लेंथ होती है एक डायमीटर होती है अकॉर्डिंगली देन एग्स हैच एंड फिश प्राय ड्रिगल टू द आउटर चैम्बर लिविंग द शेल्स इन हापा तो फिश जो है एग्स हैज हो जाते हैं फिश उसको लीव करके चली जाती है अब वो ये हेजरिंग प्लेट्स जो होती हैं उनमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं दैट इज़ कि इट शुड बी क्लोज टू वेडिंग राउंड के पास ही होनी चाहिए ओके इट शुड बी स्मॉल इन साइज और बहुत सारी होनी चाहिए फिर बात आती है कल्टीवेशन की इन डिफरेंट टैंक्स दैट इज़ देर आर डिफरेंट साइजेज ऑफ द पॉन्ड्स इन ए सीरीज एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए वो साइज़ बनी हुई होती है बेसिकली पॉन्ड में जैसे कि सबसे पहली स्टेज आती है आपकी नर्सरी की नर्सरी पॉन्ड स्टेज फिशेज़ विच कम आउट इन हैजरीज उन्हें जो है वो फिश फ्राई कहा जाता है जो कि एचरीज़ में फिश जो आती है जिन्हें की बाद में नर्सरी पौंड में ट्रांसफर करा जाता है ट्रेडिशनली क्या होता है नर्सरी पोर्ट्स जो होते हैं वो अर्दन पोर्ट्स ही होते हैं मिट्टी के बने हुए बट देर उनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि उनमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है हाइयर टॉक्सिसिटी क्यों क्योंकि वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता तो क्या होगा मोर्टेलिटी रेट जो है उनके डेथ रेट जो है वो भी देखने को ज़्यादा मिलेगी ओके ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन नाव अब ये क्या है रिप्लेस कर दी गई हैं बाय द मेटल कंटेनर्स जिनमें क्या होता है हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन जो है वो देखने को मिलती है सो दिस इज़ द ओवरऑल डाइग्राम ओके डाइग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन दैट इज़ द ब्रीडिंग पौंडस दैन वाटर इनलेट की प्रोसेस यहाँ पर रहती है आपके रिजर्वर्स होते हैं हैचरीज हैं ओके दैन द रियरिंग पौंड है ओके रियरिंग पौंड से फिर फाइनली आपकी जो मार्केटिंग पौंड और स्टॉकिंग पौंड है उनमें उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फिश फ्राइज़ जो है वो काफ़ी डेलिकेट होती हैं और तो इसलिए नर्सरी जो है उन लोगों को काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है कुछ प्रिकॉशंस भी जो है वो रखने चाहिए दैट इज़ ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से सर्कुलेट हो रही हो नर्सरी पौंड जो है वो हैचिंग हापा के पास में ही हो जो कि ट्रांसफ़र में ज़्यादा टाइम ना लग पाए पौंड जो है उसे पेडेटर फ्री रखना ज़रूरी है ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए फूड की जो है वो रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए नर्सरी पॉन्ड्स के अंदर बेसिकली क्या है कि वो दस से पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ अटेन कर लेते हैं फिर उन्हें रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है रियरिंग पॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये पॉन्ड्स जो होते हैं जनरली क्या है नैरो होते हैं लॉन्ग होते हैं क्योंकि फ़िश की एक्टिव परफॉर्मेंस के लिए क्योंकि अब उनकी साइज़ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है फिश प्राइज़ विच आर ट्रांसफर टू रियरिंग पौर उन्हें अब फिंगरलिंग्स कहा जाएगा जब फिंगरलिंग्स अब पच्चीस सेंटीमीटर तक की साइज़ जो है वो अटेन कर लेते हैं उन्हें जो है फिर स्टॉकिंग पॉन्ड में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है स्टॉकिंग पॉन्ड्स की जब हम बात करें तो ये लार्ज पॉन्ड्स होते हैं जिनमें कि एडल्ट जो फिशिज हैं उन्हें स्टॉक किया जाता है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल केयर उनकी जो है वो दी जाती है क्योंकि प्रेडेटर्स जो है उन पर नज़र रखी जा सके फूड सप्लाईज जो है उन पर नज़र रखी जा सके फिशेज जो है यहाँ पर एक मैक्सिमम लेंथ में ग्रो हो जाती हैं और फाइनली उन्हें फिर मार्केटिंग पोन्ड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है फ़ूड सप्लाइज़ तो फ़ूड सप्लाइज़ का क्राइटेरिया क्या क्या है जैसे कि यंग स्टेज पर माइन्यूट क्रिस्टेशन लार्वे हैं रोटीफोर्स हैं और जो प्लैंकटॉन्स हैं ईस्ट पाउडर राइस है ऑयल केक्स है वो प्रिफरेबली उसमें भी मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल केक्स जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं और ये बेसिकली आर्टिफिशियल फूड की कैटेगरी में ही आते हैं ओके अलोंग विद डेट डंग है लाइम है सुपर सुपरफोस्फेट है अमोनियम सल्फेट है वो बाद में लेटर ऑन जो है वो ऐड किए जाते हैं जिससे कि फर्टिलाइजर्स रिजल्ट इन जिससे कि वहाँ में जो उस पौंड में जो फाइटो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो हो सके और वो कंस्टिट्यूट करते हैं नेचुरल फूड का पार्ट ना कि आर्टिफिशियल फूड का पार्ट ठीक है जो कि फिशेस जो हैं वो उन पर भी फीड कर सकें कार्प कल्चर के टाइप की अगर हम बात करें दो टाइप होते हैं फर्स्ट है आपका कंपोजिट कल्चर कंपोजिट फार्मिंग या फिर जिसे हम पोली कल्चर कहें कि ये कंट्री के वेरियस पार्ट्स में जो है वो बहुत ही कॉमन है टू यूटिलाइज़ ऑल द निशीज़ ऑफ द पोंड मतलब ये नहीं है कि पोंड का एक स्पेशल एरिया ही यूटिलाइज़ हो ओवरऑल पोंड के अलग अलग जो है एरिया जो है वो कम्बाइंड जो है यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं फिशज़ जो कि कंपोजिट कल्चर में होती है बेसिकली कैटला है लेबियो रोयता है मृगला है जो कि बॉटम फीडर होती है देन अपू फोर थाउजेंड के जी पर हेक्टेयर पर ईयर जो है इस मेथड से जो है वो ऑप्टेन किया जा सकता है जैसे कि डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि कैटला जो है वो आपकी सरफेस uh, के ऊपर है सरफेस फीडर है देन रोहू जो है उसने जो है वो कोलम uh, फीडर जो है वो यूटिलाइज किया है अपना नीश जो इसका है और मृगल जो है वो बॉटम फीडर तो डिफरेंट नीशेज़ को ऑक्यूपाई करके जो है कल्चर जो है वो किया जाता है देन द फिश के जो डिजीजेज़ हैं बहुत सारी बैक्टीरियल फंगल प्रोटोजोन वगैरह डिजीज उनको होती रहती है वो उनके फिनस को गिल्स को आइज़ को जो है वो डैमेज कर देती है और ये अल्सरेशन कोस करती है अब लास्ट में बात आती है फिशेस के बेनिफिट्स क्यों हैं क्यों हम फिशेस का कल्चर जो है वो करते हैं उनका जो है कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो करते हैं सो so, इनको जो है स्पेशलाइज फूड्स की ज़रूरत नहीं होती बहुत ही जनरलाइज फीडर होती हैं ये तो इजीली इनको कल्टीवेट किया जा सकता है टेम्परेचर की टॉलरेंस जो होती है वो भी इनमें हायर होती है दैट इज़ यूरीथर्मल होते हैं ना कि स्टिनोथर्मल ये जो है वो टर्बिड वाटर में भी स्टे कर सकते हैं लार्ज ऑक्सीजन वेरिएशन अगर हैं पौड में उनको भी ये टोलरेट कर पाते हैं ग्रोथ रेट जो है वो भी इनकी काफ़ी फास्ट होती है और फ्लैश जो है कार्प का वो इजीली पेल्टेबल है दैट इज़ सुबल है और टेस्टी भी होता है सो या दैट्स ऑल अबाउट द फी और द कार्प कल्चर इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग